हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.2। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सारे प्रैक्टिस सेट 1.2 के जो बेसिक थ्योरम थे वो आपको करा दिए थे, और आज हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो बस प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बताना है जो पिछले वीडियो में रह गया था, वो बता के हम शुरू करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस मिल जाए। और साथ ही इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे 10th स्टैंडर्ड के। तो चलो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ये फर्स्ट है कन्वर्स ऑफ, यहाँ पे जो भी हम लोग थियरम, अभी हम लोग ने तीन थियरम पढ़ा, तो इसमें से दो थियरम हम लोग को कन्वर्स पढ़ने हैं। कन्वर्स मतलब उल्टा, इसका अपोजिट होता है कन्वर्स। तो समझ लो ये क्या कहता है कन्वर्स, कि आप ये तो जानते ही रहोगे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप ये तो जानते ही रहोगे कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है तो उसके सारे के सारे साइड इक्वल रहेंगे और सारे एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री रहेगा। ये एक स्क्वायर का डेफिनेशन है। और ये था हम लोग का नॉर्मल थियरम कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड इक्वल है और यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है तो वो एक स्क्वायर है। तो अभी अगर हम लोग उसका उल्टा देखेंगे, यहाँ पे तो हम लोग ने डिफाइन किया कि क्वाड्रिलेटरल में ये रहना चाहिए, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग को गिवन रहेगा कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया है आपको, वो स्क्वायर है, ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग को पता है, यहाँ पे हम लोग ने प्रॉपर्टीज देख के बताया है स्क्वायर है, यहाँ पे पहले से दिया है स्क्वायर है। तो हम लोग को पता है क्या क्या होता है स्क्वायर में, कि इसके सारे साइड इक्वल रहते हैं, इसका ये 90 डिग्री रहता है। तो ये जो एक गिवन स्क्वायर है ये हमारा एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, और कन्वर्स क्या है, उसका उल्टा। एक स्क्वायर को हम लोग को जो भी प्रूव करने के लिए चाहिए वो हम लोग पहले से पता रहता है हम लोग को, कि स्क्वायर के सारे साइड इक्वल है वो 90 डिग्री रहता है। तो इसमें हम लोग को नहीं पता ये स्क्वायर है कि क्या है, हम लोग को नहीं पता ये। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि इसके सारे साइड इक्वल है, हाँ सारे साइड इक्वल है, तो भी हम लोग नहीं बोल सकते ये स्क्वायर है, क्योंकि एक रोम्बस के भी सारे साइड इक्वल रहते हैं। जब तक हम लोग नहीं देखेंगे कि सारे एंगल 90 डिग्री भी बना रहे हैं, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर है, कन्वर्स ऑफ स्क्वायर। तो ऐसा ही ये है, हम लोग को पहले से पता है। अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल है कोई भी साइड को, तो वो लाइन इसको डिवाइड करती है इक्वल रेशियो में, मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये तो हम लोग का थ्योरम है। अभी कन्वर्स क्या कहता है, कि ये हम लोग को नहीं पता है ये कोई लाइन पैरेलल है, जैसे यहाँ पे हम लोग को नहीं पता ये स्क्वायर है, हम लोग को सब देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को नहीं पता ये लाइन पैरेलल है कि नहीं, अभी के लिए बस इतना मान लो कि यहाँ पे एक लाइन है जो बी ये साइड AB और AC को पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, अभी के लिए हम लोग को बस इतना ही पता है। फिर हम लोग को ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, तो हम लोग को सीधे से पता चल गया कि ये लाइन पैरेलल है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अभी और आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको बताता हूँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, कि कोई भी ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल है कोई भी एक साइड के, यहाँ पे है हम लोग के पास ये, तो हम लोग लिख सकते हैं बाय BPT थ्योरम AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये BPT थ्योरम। पर कन्वर्स में ये दिया रहेगा और ये नहीं बोला रहेगा कि ये लाइन पैरेलल है, तो हम लोग को इससे पता चलेगा अगर ये रेशियो इक्वल है तो हम लोग को पता चलेगा ये लाइन भी पैरेलल है। तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकते हैं कि समझ लो यहाँ पे दिया है 4, यहाँ पे दिया है 6, तो यहाँ पे दिया रहेगा समझ लो 8, और यहाँ पे भी एक रेशियो दिया रहेगा। अगर यहाँ पे हम लोग 4 को देखेंगे तो ये 1/3 का आ रहा है, तो अभी 8 से कौन सा रेशियो लेंगे कि 1/3 में आएगा,
यहाँ पे 4 बाई 6, ये रहेगा 2 बाई 3 इक्वल टू 8 एक्स 24, तो यहाँ पे 12 रहना चाहिए। तो अभी आपको पूछेंगे कि बताओ ये लाइन पैरेलल है कि नहीं। क्वेश्चन में आपको दिया ये 4 यूनिट है, 6 यूनिट, 8 यूनिट, 12 यूनिट, और पूछेंगे बताओ ये लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को पहले लिखना है ए पी बाई पी बी का रेशियो ढूंढना है। ये है 4 बाई 6 जो कि इक्वल है 2 बाई 3 के, ये हम लोग को मिल गया 2 बाई 3, इससे ज़्यादा तो ये रिड्यूस नहीं होगा। और हम लोग फिर लिखेंगे ए क्यू बाई क्यू सी, ये 8 बाई 12 के इक्वल। तो अभी हम लोग देखेंगे 4 2 8, 4 3 12, तो हम लोग को दोनों रेशियो इक्वल मिल रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बी सी। तो अभी आपको समझा कि क्या होता है कन्वर्स, जो हम लोग ने थ्योरम पढ़ा उसका उल्टा। अभी सेकेंड हम लोग का है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं। ये देखो, नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग को दिया रहता है कि रे ए ई है बायसेक्टर एंगल बी ए सी का। तो हम लोग ने जो थ्योरम पढ़ा था उसके हिसाब से बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी रहेगा। पर यहाँ पे हम लोग को ये नहीं दिया रहेगा कि ये इसका बायसेक्टर है, यहाँ पे हम लोग को उल्टा दिया रहेगा कि बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग से पूछेंगे कि बताओ ये रे ए ई बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का कि नहीं। तो अगर हम लोग को रेशियो, हम लोग को इसके वैल्यूज़ दिए रहेंगे ये सब के, और हम लोग को देखना रहेगा कि बी ई अपॉन ई सी इक्वल है ए बी अपॉन ए सी के। अगर ये दोनों इक्वल है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया दोनों इक्वल आ गए, ए पी अपॉन पी बी, ए के अपॉन क्यू सी दोनों 2/3 के इक्वल है, अगर वैसे यहाँ पे आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, सॉरी कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रे ए ई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। तो इतना ही आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना था कि कन्वर्स, सारे थ्योरम्स के कन्वर्स आपको रहेंगे। तो जितने भी आपको टोटल थ्योरम्स हैं उनके कन्वर्स आपको आने वाले हैं, तो वो आपको समझ के लेना है। चलो अभी यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये सारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को 3 सब क्वेश्चन है, ये तीनों के तीनों सब क्वेश्चन बेस्ड है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर, इस थ्योरम के ऊपर। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया था वैसे ही हम लोग को करना है। तो मैंने आपको बोला था कि इस बार यहाँ पे हम लोग को बताया नहीं जाएगा कि ये जो रे पी एम है ये बाइसेक्टर है एंगल क्यू पी आर के। तो हम लोग को ऐसे टाइम पे क्या करना है, हम लोग को जो सारे साइड गिवन है हम लोग को उनका रेशियो देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्यू एम बाय एम आर का रेशियो। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्यू एम बाय एम आर का रेशियो जो है 3.5 बाय 1.5। तो देखो रेशियो कभी भी डेसिमल में नहीं रहता, तो हम लोग को इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका डेसिमल हट जाएगा, ये रहेगा 35 बाय 15। तो अभी क्या रिड्यूस हो सकता है, हाँ 7 नहीं हम लोग 5 के टेबल में दोनों ला सकते हैं, 5 7 जार 35 और 5 3 जार 15। तो हम लोग क्यू एम बाय एम आर हम लोग को मिल गया 7 बाय 3। तो हम लोग इसको दे देंगे इक्वेशन 1। अभी फर्स्ट हो गया, अभी हम लोग लेंगे क्यू पी बाय पी आर, तो वो
क्यू पी है 7 और पी आर है 3, तो हम लोग को ये भी मिल गया 7/3, इसको लेंगे इक्वेशन 2। तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि क्यू एम बाय एम आर और क्यू पी बाय पी आर दोनों 7/3 के इक्वल है। तो हम लोग कंक्लूड करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्यू एम बाय एम आर इज इक्वल टू क्यू पी बाय पी आर। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया इन दोनों का रेशियो इक्वल, क्यू एम बाय एम आर और क्यू पी बाय पी आर का। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बायसेक्टर थ्योरम रे पी एम इज द बायसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूड भी कर लिया कि पी एम बायसेक्टर है एंगल क्यू पी आर का, क्योंकि हम लोग को दो रेशियो इक्वल मिले। अभी सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो चलो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर एम बाय एम क्यू का रेशियो। आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू 3/4। हम लोग को मिल गया आर एम बाय एम क्यू इज इक्वल टू 3/4। हम लोग इसको दे देंगे इक्वेशन 1। और सेकेंड हम लोग लिखेंगे पी आर बाय पी क्यू इज इक्वल टू 7/10। तो 7 और 10 दोनों कोई एक नंबर के टेबल में नहीं आते हैं, तो हम लोग इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो अभी लिखेंगे, हम लोग को इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके दिख रहा है कि दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। ये 3/4 है, ये 7/10 है, मतलब दोनों अनइक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 आर एम बाय एम क्यू इज नॉट इक्वल टू पी आर बाय पी क्यू। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये जो रे है ये एंगल आर पी क्यू की बायसेक्टर भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रे पी एम इज नॉट द बायसेक्टर ऑफ एंगल आर पी क्यू। तो चलो अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग के पास है एक रे, ये रे पी एम, पी क्यू है 9 यूनिट, पी आर है 10 यूनिट, क्यू एम 3.6 और एम आर 4 यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग एम आर अपॉन क्यू एम का रेशियो देखते हैं, या फिर एम आर अपॉन एम क्यू। एम आर अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू 4/3.6। तो मैंने आपको क्या बोला था कि फ्रैक्शन कभी भी डेसिमल में नहीं रहता है, तो हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मिल जाएगा 40/36 के इक्वल। तो हम लोग इसको और कम करके लिख सकते हैं 4 10s are 40, 4 9s are 36। अभी 10 और 9 दोनों कोई भी एक नंबर के टेबल में नहीं जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। एम आर अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू 10/9, ये हम लोग का इक्वेशन 1। तो अभी सेकेंड है हम लोग के पास पी आर अपॉन पी क्यू का रेशियो। पी आर है हम लोग के पास 10 और पी क्यू है 9, ये आ गया 10/9, इधर रिड्यूस नहीं हो सकते, तो इक्वेशन 2।
और अभी इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करके हम लोग को दिख रहा है कि ये दोनों 10/9 के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम वन इक्वेशन वन एंड टू एम आर बाय एम क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय पी क्यू। तो हम लोग लिखेंगे देयर फोर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग ने सारे कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाले सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई रहेगी यहाँ पे। अगर आपका ये इस एग्जांपल से अगर आपका क्लियर नहीं हुआ रहेगा कन्वर्स का कंसेप्ट, तो ये क्वेश्चन करने के बाद आपका अच्छे से हो जाएगा। तो आगे जाके हम लोग को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के भी कन्वर्स रहेंगे, तो उससे आपको ये भी समझ जाएगा अच्छे से। तो चलो अभी मैं क्वेश्चन नंबर टू का डायग्राम बना लेता हूँ, फिर हम लोग वो करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि बीपीटी थ्योरम में हम लोग को पूछेगा, हम लोग को ये साइड्स की लेंथ दी हुई रहेगी और हम लोग को पूछेगा कि एन एम कोई ये जो लाइन है ये पैरेलल है अपोजिट साइड के कि नहीं। तो ये क्वेश्चन ने पूछा है कि एन एम पैरेलल है आर क्यू के, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले पी एन ढूंढना है, एन आर ढूंढना है, पी एम ढूंढना है और फिर पी क्यू ढूंढना है। तो जब ये चारों साइड हम लोग को मिल गए तो हम लोग को इनके रेशियो लेना है, पी एन अपॉन एन आर का रेशियो, फिर पी एम अपॉन पी क्यू का रेशियो। अगर दोनों रेशियो इक्वल है तो ये जो लाइन एन एम है ये पैरेलल है साइड आर क्यू के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। गिवन मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है बस आपको उसी को उतारना है, सारे अनवांटेड चीज़ उतार दो, मतलब ये हम लोग गिवन से निकाल दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम लोग क्वेश्चन में दिया इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हम लोग को जो भी साइड के लेंथ दी हुए हम लोग को वो लिखना है, पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इज इक्वल टू 25, पी आर इज इक्वल टू 20 और एन आर इज इक्वल टू 8, हम लोग को गिवन है। और हम लोग अगर आप चाहो तो आप इस मेथड में लिख सकते हो गिवन, फिर नीचे आपको लिखना है टू प्रूफ वेदर लाइन एम एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, या फिर नीचे प्रूफ लिखो। पर अभी के लिए आपने अभी स्टार्ट किया, इसके लिए मैं आपको नॉर्मल मेथड दिखा रहा हूँ। गिवन फिर आप हम लोग लिख देते हैं सोल्यूशन। जब आपके एग्जाम सेमिस्टर के एग्जाम्स या फिर असेसमेंट के नज़दीक आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पी क्यू। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिया है पी एम दिया है और पी क्यू दिया है, लेकिन एम क्यू नहीं दिया, तो हम लोग को एम क्यू ढूंढना है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी एम बाय एम क्यू। क्यों हम लोग ने ऐसा लिखा, क्योंकि ये कोलिनियर है, पॉइंट पी एम क्यू कोलिनियर है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट सिर्फ एक लाइन पे आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी डैश एम डैश क्यू, ये दिखाता है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो पी क्यू हम लोग को दिया 25, पी एम दिया 15 प्लस एम क्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफोर एम क्यू इज इक्वल टू 25 माइनस 15, देयरफोर एम क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अगर कहीं पे भी कभी हम लोग को सेंटीमीटर मीटर या ऐसा कोई यूनिट नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स, और ये यूनिट्स लिखना ज़रूरी है।
तो फर्स्ट हम लोग को एम क्यू मिल गया, अभी हम लोग ढूंढते हैं पी एन। यहाँ पे हम लोग को पूरा पी आर दिया है और एन आर दिया है, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि पॉइंट पी एन आर को लीनियर है। तो देयर फोर पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर। इसका रीजन है पी डैश एन डैश आर। तो देयर फोर 20 इज इक्वल टू पी एन प्लस 8, देयर फोर पी एन इज इक्वल टू 20 माइनस 8, देयर फोर पी एन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। हम लोग को पी एन भी मिल गया, तो अभी हम लोग को चारों के चारों वैल्यूज मिल गए, पी एन भी मिल गया, एन आर भी मिल गया, पी एम और एम क्यू भी मिल गया। पी एन 12 मिला और एम क्यू 10 मिला। तो अभी हम लोग को देखना है कि पी क्या पी एन अपॉन एन आर इक्वल है पी एम अपॉन एम क्यू के। तो पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू 12/8। तो हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं, दोनों फोर के टेबल में जा रहे हैं, तो 4 3 जार 4 2 जार। तो हम लोग को मिला पी एन बाय एन आर, देयर फोर पी एन बाय एन आर इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे मैंने लिखा था ये 2 मार्क्स के लिए रहता है। तो अगर आपको ये हर एक क्वेश्चन में चाहिए कि वो क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएंगे, तो आप कमेंट्स में बताना, मैं फिर अगली बार से हर एक क्वेश्चन पे लिखूंगा। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन को कितने लेंथ में सॉल्व करना है। क्योंकि ये 2 मार्क के लिए आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट देने हैं, 5 मिनट से ज़्यादा आप इसको नहीं दे सकते। और अगर कोई 4 मार्क का क्वेश्चन रहा तो आप उसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ऐसे ही आपको आइडिया मिलेगा कि हम लोग को कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे देखो इतना हो गया और हम लोग को मिल गया फर्स्ट। हम लोग इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अभी हम लोग ढूंढते हैं पी एम बाय एम क्यू। पी एम बाय एम क्यू इज इक्वल टू 15/10। तो ये दोनों जा रहे हैं 5 के टेबल में, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 इज इक्वल टू 3/2। तो हम लोग लिखेंगे देयर फोर पी एम बाय एम क्यू इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये देखो हम लोग को यहाँ पे दोनों इक्वेशन मिल गए और दोनों में पी एन अपॉन एन आर और पी एम अपॉन एम क्यू भी इक्वल है 3/2 के। तो हम लोग को कंक्लूड करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वो क्या इक्वल मिला है पी एन अपॉन एन आर। पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। तो मैंने आपको क्या बोलता, अगर हम लोग को ये कोई भी ट्राइंगल दिया है और यहाँ पे हम लोग को ये लाइन दी है, और अगर ये लाइन इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन पैरेलल है इस साइड के। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। या फिर आपके क्वेश्चन में जो दिया है आर क्यू ही है क्वेश्चन में भी। तो फिर हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था रीजन, हम लोग को रीजन भी देना है कि एन एम क्यू पैरेलल है आर क्यू के। तो हम लोग ने यहाँ पे रीजन दे दिया। इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग ने ये प्रूफ किया कि पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। तो ये रहा हम लोग का पहला रीजन। और दूसरा रीजन है बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो मैं पहले थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम बना लेता हूँ, फिर हम लोग करते हैं। तो चलो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
तो पहले ये क्वेश्चन तो हम लोग का है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। तो हम लोग को यहाँ पे जो रे एन क्यू है ये है एंगल बाइसेक्टर एंगल एम एन पी के। यहाँ पे ये साइन हम लोग को इक्वलिटी दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग को साइड खाली क्यू पे ढूंढना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और हम लोग को सबसे पहले एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है कि रे एन क्यू इज बाइसेक्टर इन ट्राइंगल एम एन पी। रे एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी। तो हम लोग को कैसे पता चला, ये हम लोग को गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन था। तो हम लोग लिख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पहले लिखता हूँ बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम एन अपॉन पी एन। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको पहले ही लिखना है अच्छे से यहाँ पे कि बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और फिर नीचे आप ये लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है एम क्यू अपॉन क्यू पी रेशियो कैसे लिखना है, तो आप ये सोचो कि पहले अगर आप, हम लोग ने तो पहले ये लिया एम क्यू अपॉन क्यू पी लिया, तो फिर जो दूसरा साइड है यहाँ से स्टार्ट होगा एम एन अपॉन पी एन। अगर आप ऐसे लेते हो पी क्यू अपॉन क्यू एम, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा पी एन अपॉन एम एन। लिखो एम क्यू है 2.5, क्यू पी हम लोग को नहीं पता, हम लोग को क्यू पी ढूंढना है। एम एन दिया है 5 और पी एन दिया है 7। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5 अपॉन 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 1 5 5, 0.5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आंसर आएगा, और 7 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.5। देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल टू 3.5। और कोई भी यूनिट क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग इसको बोलेंगे, हम लोग को नहीं बताया कि सेंटीमीटर है कि मीटर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3.5 यूनिट्स। और अगर दिया रहता है तो हम लोग लिखते हैं कि ये सेंटीमीटर में है या फिर मीटर में है। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग को दिया है एंगल ए पी क्यू और एंगल ए बी सी दोनों के मेजर है 60 डिग्री, हम लोग को गिवन है। और हम लोग को प्रूफ करना है कि ए पी अपॉन पी बी है इक्वल ए क्यू अपॉन क्यू सी के। तो ये ऐसा हम लोग कब लिख सकते हैं, जब जो लाइन पी क्यू है वो पैरेलल रहनी चाहिए साइड बी सी के। पर क्वेश्चन हम लोग को नहीं बताया कि ये लाइन पैरेलल है, पर हम लोग को ये दिया है कि जो एंगल ए पी क्यू है वो इक्वल है एंगल ए बी सी के। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी लाइन के, कोई भी दो पैरेलल लाइन के और उनके ट्रांसवर्सल के 3 टेस्ट रहते हैं। हम लोग ने तो हमेशा से यही पढ़ा है कि, हमको यहाँ पे समझाते हो कि अगर ये जो दो पैरेलल लाइंस है और उनको एक ट्रांसवर्सल मीट कर रहा है, तो हम लोग ने हमेशा से ये पढ़ा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल मेजर के होते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल जो भी एंगल ऐसे जेड बनाता है वो भी इक्वल रहता है ये, और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये लोग ऑल्टरनेट एंगल्स है। और हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कोई भी दो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम लोग को ये 3 प्रॉपर्टीज पता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल,
और सेकंड हम लोग को ये पता है अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे समझ लो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और थर्ड है इंटीरियर एंगल्स मेजर 180 डिग्री, यहाँ पे लोग लिखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेजर 180 डिग्री। तो हम लोग को ये तीन प्रॉपर्टीज पता है, कोई भी दो पैरेलल लाइन और उनके बीच के ट्रांसवर्सल की ये तीन प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम लोग को कोई भी दो लाइन मिली है और हम लोग को नहीं पता कि वो पैरेलल है कि नहीं, और यहाँ पे एक लाइन पास हो रही है उनके यहाँ से बीच में से, तो हम लोग को ये देखना है कि क्या कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या कोई ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, या फिर ऐसे कोई भी दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है। अगर हम लोग को ये तीनों में से एक भी मिल गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। और ये थे पैरेलल लाइन के टेस्ट। अगर हम लोग को अल्टरनेट एंगल इक्वल मिल गया तो हम लोग लिख सकते हैं बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट दिस बोथ लाइन्स आर पैरेलल। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, और अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम लोग लिखेंगे बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल ये दो, ये आप समझ लो पी क्यू और बी सी दो लाइन्स है और ए बी इनका ट्रांसवर्सल है, तो हम लोग को ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री कॉमा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ हम लोग को प्रूफ क्या करना है वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। प्रूफ हम लोग को करना है ए पी अपॉन पी बी इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी, हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलो यहाँ से अभी प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रूफ। अगर कोई भी मेजरमेंट वाला सम पूछा रहे कि समझ लो पूछ रहा है ए पी की लेंथ कितनी है, तो हम लोग टू प्रूफ और प्रूफ की जगह सिर्फ सोल्यूशन लिखेंगे और अपने आंसर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर कुछ प्रूफ करने बोला है तो हम लोग पहले लिखेंगे गिवन, फिर लिखेंगे क्या प्रूफ करना है और नीचे हम लोग प्रूफ लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी से, ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स के लिए रहेगा। एंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, इसका रीजन है हम लोग का बोथ एंगल्स मेजर 60 डिग्री, ये हम लोग को गिवन है। तो हम लोग ने यहाँ से लिखा कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है इन लाइन्स के, तो हम लोग लिखेंगे देयर फोर लाइन, लाइन या फिर साइड लिखते हैं साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बी सी, और ये इसका रीजन क्या है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल मिले रहते तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल का अगर सम 180 डिग्री मिला रहता तो हम लोग बोलते हैं बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा कि ये लाइन पी क्यू पैरेलल है साइड बी सी की, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था अगर कोई भी ट्राइंगल में ये लाइन पी, कोई भी लाइन पी क्यू है एक साइड के इक्वल, तो वो दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हम लोग देयरफॉर करके लिख सकते हैं ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, और इसका रीज़न क्या है बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ।
चलो यहाँ पे हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, और अगर आप फोर्थ क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसा प्रेजेंट करके आओगे तो टीचर आपको फुल मार्क्स देगी। तो चलो क्वेश्चन फोर स्टार्ट करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो ए साइड ए बी पैरेलल है साइड पी क्यू के, और साइड पी क्यू पैरेलल है साइड डी सी के। ये डी है, डी सी के पैरेलल है। तो और हम लोग को लेंथ दी है ए पी की, पी डी की, क्यू सी की, और हम लोग को ढूंढना है बी क्यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, गिवन है इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी ए पी इज इक्वल टू 15 कॉमा पी डी इज इक्वल टू 12 कॉमा क्यू सी इज इक्वल टू 14 और बी क्यू को नहीं पता, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप बी क्यू को ऐसे भी लिख सकते हो टू फाइंड, और नीचे लिख सकते हो बी क्यू इज इक्वल टू डोंट नो, मतलब क्वेश्चन मार्क, बी क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पर हम लोग ने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, वो भी चलता है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका आएगा टू मार्क का, टू मार्क्स के लिए। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे एन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड डी सी कॉमा ए डी एंड बी सी आर देयर ट्रांसवर्सल्स। तो ये हम लोग को कहाँ से पता चला, ये हम लोग को गिवन था। तो हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। हम लोग को मिला ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, और उसके आगे देयर फोर ए पी की लेंथ है हम लोग के पास 15 यूनिट, पी डी की है 12, बी क्यू की हम लोग को फाइंड करना है, और क्यू सी की है 14। तो हम लोग लिख सकते हैं देयर फोर बी क्यू इज इक्वल टू 15 इंटू 14 बाय 12। ये दोनों किसके टेबल में जा रहे हैं, 4k सॉरी 2k, 2 7 जार 14, 2 6 जार 12 और 6 किसके जा रहे हैं, 6 और 5 3 के टेबल में जा रहे हैं, 3 5 जार 15, 3 2 जार 6। तो ये हम लोग को मिल गया इज इक्वल टू 35 बाय 2, देयरफॉर bq इज इक्वल टू 35 बाय 2, और 2 वन जार 2, 2 वन जार 2, 2 सेवन जार 14, एक बचा 0.5 10। तो हम लोग को मिल गया देयरफॉर bq इज इक्वल टू 17.5 यूनिट्स। देखो ऐसे लिखने के ऊपर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, पूरा आपको स्टार्टिंग से अच्छे से सब कुछ दिखाना है, सारे के सारे स्टेप। और अगर आपको और इसको अच्छा बनाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर, एक और स्टेटमेंट देयरफॉर द लेंथ ऑफ बी क्यू इज इक्वल टू 17.5 यूनिट्स। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि बेस्ड है हम लोग के एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है कि एन क्यू रे एन क्यू बाइसेक्टर है एंगल एम एन पी के, हम लोग को एम एन दिया है, एन पी दिया है, एम क्यू दिया है, और क्यू पी ढूंढना है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल एम एन पी एम एन इज इक्वल टू 25 कॉमा एम क्यू इज इक्वल टू 14 कॉमा एन पी इज इक्वल टू 40।
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये है हम लोग को गिवन। आप इसको अलग से ऐसे भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करने के लिए हम लोग ने लिखा है, क्योंकि हम लोग को फिर दो दो बार ही लिखना पड़ता है। अगर जब आप आगे चल के अच्छे से ढेर सारे सम प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग को कैसे क्या लिखना है। तो अभी हम लोग ने ये लिख लिया, तो हम लोग लिखेंगे रे एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी, ये भी हम लोग को गिवन है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम एन अपॉन एन पी, देयरफॉर 14 अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू 25 बाय 40, देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल टू 40 इंटू 14 अपॉन 25। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से टेबल में जा रहे हैं। 40 और 25 एक टेबल में जा रहे हैं, 5 8 ज़र 40 5 5 ज़र 25। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू पी इज इक्वल टू 8 × 14 / 5। तो 8 × 14 कितना होता है 112.5, 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10, वापस 5 2 ज़र 10.5, therefore QP is equal to 22.4 units. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बेस्ड है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस के ऊपर। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये खुद से ट्राई करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है रे, यहाँ पे दिया है सेगमेंट ए बी पैरेलल टू सेगमेंट डी सी इज पैरेलल टू सेगमेंट एफ ई, और यहाँ पे दिया है कि बी एफ और ए ई इन दोनों के ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे हम लोग को रेशियो मिलेगा बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, और मुझे लगता है ये आप अभी कर पाओगे। तो आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 से। इससे क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही इजी ही है, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट से बताना, मैं आपको करा दूंगा। क्योंकि अभी अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 के सिमिलर ये क्वेश्चन किया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अलग है, 9 मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है बेस्ड हम लोग का प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग को सारे साइड्स की लेंथ एक्स के रिस्पेक्ट में दी हुई है। यहाँ पे एक्स एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, और हम लोग को ढूंढना है वैल्यू एक्स की। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और फिर हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 कॉमा ए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और डी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रे बी डी इज बायसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो ये क्या है, हम लोग को ये गिवन है। तो अभी हम लोग को मिल गया इस ट्राइंगल में रे बी डी एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, या फिर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो AD का लेंथ है x माइनस टू, DC का लेंथ है x प्लस टू, AB का लेंथ है x और BC का लेंथ है x प्लस फाइव। लिखेंगे देयरफोर, यहाँ पे लिखेंगे देयरफोर x प्लस फाइव यहाँ पे चले जाएगा और x प्लस टू इधर आ जाएगा। तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस टू। देयरफोर सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस फाइव से, फिर माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस फाइव से इक्वल टू, और यहाँ पे x को जब मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस टू से तो हम लोग को मिलेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू टू टू एक्स। तो ये आपको आना चाहिए क्योंकि नाइन्थ में आपने ये किया है। अगर आपने नहीं किया है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको अच्छे से करने वाले हैं। इसको लिखेंगे देयरफोर x इंटू एक्स प्लस फाइव कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, टू इंटू एक्स प्लस फाइव माइनस टू एक्स, टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स और माइनस टू इंटू फाइव माइनस टेन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे लेके जाएंगे माइनस होके इसको कट कर देगा, और फिर देयरफॉर हम लोग को मिलेगा फाइव एक्स माइनस टू एक्स कितना होगा थ्री एक्स, माइनस टेन इज इक्वल टू टू एक्स। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर थ्री एक्स माइनस टू एक्स, टेन को हम लोग यहाँ पे भेज देंगे, टू यहाँ पे आके माइनस हो गया और टेन यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस टेन हो जाएगा। थ्री एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टेन, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू टेन यूनिट्स। हम लोग की एक्स की वैल्यू आ गई टेन यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर नाइन खत्म हो गया, ये भी आपको दो मार्क के लिए आएगा। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर टेन स्टार्ट करते हैं। ये दिया आपको एक्टिविटी के फॉर्म में, तो ये मैं पहले आपको आपकी पूरी एक्टिविटी बना देता हूँ फिर हम लोग लिखते हैं। तो हमारा टेंथ क्वेश्चन एक एक्टिविटी के फॉर्म में है। ये एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि ऐसी तीन एक्टिविटीज़ आपको 40 मार्क के पेपर में पूछी जाती है, जिसमें से दो एक्टिविटी रहती है दो दो मार्क की और एक एक्टिविटी रहती है तीन मार्क की। तो एग्ज़ाम में यह एक्टिविटी आपको तीन मार्क के लिए आ सकती है, क्योंकि देखो अगर वो एक्टिविटी दो मार्क के लिए है तो आपको चार बॉक्स फिल करने रहेंगे, और अगर थ्री मार्क की है तो सिक्स बॉक्स फिल करने रहेंगे। तो इस क्वेश्चन में छः से आधा बॉक्स है, पर क्योंकि ये आपको मार्क्स के हिसाब से नहीं दिया है, अगर आपको एग्ज़ाम में आएगी तो छः से आधा बॉक्स इसमें नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इस क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि जो सेगमेंट पी क्यू वो पैरेलल है साइड डी ई के, और सेगमेंट क्यू आर पैरेलल है साइड ई एफ के, और हम लोग को प्रूफ करना है कि सेगमेंट पी आर पैरेलल है सेगमेंट डी एफ के, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसके अंदर हमारा यूज होगा कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल डी एक्स ई को लेंगे, और इसमें हम लोग को पता है कि पी क्यू पैरेलल है डी ई के, तो हम लोग लेंगे एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। ये तो हम लोग को पता है कि ये दोनों इक्वल रेशियो में है। फिर हम लोग ट्राइंगल ई एक्स एफ को लेंगे, और इसमें देखेंगे कि क्यू आर पैरेलल है ई एफ के, तो हम लोग ये लिखेंगे देयरफॉर एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो इससे हम लोग को पता चला कि दोनों एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ इक्वल है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों रेशियो इक्वल है। तो फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे कन्वर्स ऑफ बी पी टी से पी आर पैरेलल है डी एफ के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको फिल करते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिया है इन ट्राइंगल एक्स डी ई PQ इज पैरेलल टू DE, ये हम लोग को पता है कैसे,
क्योंकि हम लोग को था गिवन, इसका रीजन है गिवन। देयरफॉर एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, इसका रीजन है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। इसको दिया इक्वेशन वन, इन ट्राइंगल एक्स डी ई क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, सो देयरफॉर एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, ये भी हम लोग को गिवन है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, और इसका रीजन है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू से क्या हम लोग को दिख रहा है कि एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के, और एक्स आर अपॉन आर एफ भी इक्वल है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के। तो ये दोनों इसके, ये दोनों तो इक्वल ही है, मतलब ये दोनों भी इक्वल है। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। तो हम लोग को क्या मिला कि ट्राइंगल डी एक्स एफ में एक्स आर अपॉन आर एफ इक्वल है एक्स पी अपॉन पी डी के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम पी आर सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू साइड डी एफ। तो लास्ट स्टेटमेंट यही है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन 11। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, हार्ड ज़रा भी नहीं है, वैसे थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें आपको एक साथ तीन तीन बार थियरम अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को दिया है हम लोग को कि रे बी डी बाई सेक्टर है एंगल ए बी सी का, और रे सी ई बाई सेक्टर है एंगल ए सी बी का, और साथ में दिया है कि जो ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी के, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ये जो ई डी है ये साइड बी सी के इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं, पैरेलल है। तो अगर हम लोग को इन दो साइड्स को पैरेलल बताना है तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, जब भी हम लोग को ए ट्राइंगल के ऐसे दो साइड्स को एक दूसरे के पैरेलल बताना है तो हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है ए ई अपॉन ई बी को हम लोग को प्रूफ करना है वो इक्वल रहना चाहिए ए डी अपॉन डी सी के। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को सबसे पहले देखना चाहिए हम लोग के पास क्या है और हम लोग को क्या ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया है ये बायसेक्टर है बी डी, एंगल बी का बायसेक्टर है, तो हम लोग को इससे क्या पता चला ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। और ये भी दिया हम लोग को कि रे सी ई भी बायसेक्टर है एंगल ए सी बी का, तो हम लोग वो भी लिख लेंगे ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। और अभी उसके आगे का मैं आपको समझाता हूँ, पहले हम लोग उतना लिख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है, तो हम लोग को थोड़ा इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। हम लोग इसको लिखेंगे गिवन टू प्रूफ और प्रूफ के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, इन ट्राइंगल ए बी सी रे बी डी एंड रे सी ई आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी रिस्पेक्टिवली। तो ये हम लोग को इतना मिल गया, और हम लोग को दिया है साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी, ये हम लोग टू प्रूफ में जाते हैं। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हम लोग को करना है ई डी पैरेलल टू साइड बी सी, ये हम लोग को प्रूफ करना है। और अभी कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं है, हम लोग सीधे लिखेंगे प्रूफ।
सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी रे सी ई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। वैसे अगर आपको लिखना है तो देखो हम लोग यहाँ पे दो दो बार लिख रहे हैं रे सी ई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, हम लोग पहले लिख चुके हैं, हम लोग इसको वापस लिख रहे हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रह सकता है। तो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, आप अच्छे से पेपर जल्दी लिख पा रहे हो, तभी आप ये मेथड से करो, वरना आप सीधे सीधे यहाँ से लिखो, यहाँ से जहाँ से मैं लिख रहा हूँ, आपको ये एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तब ज़रूरी रहेगा, वो 3 मार्क के क्वेश्चन में भी चल जाता है अगर, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी है, आपका सारा पेपर एकदम अच्छा जा रहा है, तो आप ऐसे लिखो। यहाँ से स्टार्ट, ए सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी हम लोग को गिवन है, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल या फिर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं ई ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, तो हम लोग इसको दे देंगे इक्वेशन 1। और हम यहाँ पे साथ में एक और चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन शायद वो आपको अभी नहीं समझे, तो फिर मैं पहले यहाँ पे आपको लिख के समझाता हूँ, सेकेंड स्टेप में आपको अच्छे से समझ जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी, इसको देंगे इक्वेशन 2। ये हम लोग को गिवन भी है, यहाँ पे लिख देंगे गिवन। तो यहाँ पे अभी आप सोचोगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी मालूम पड़ जाएगा हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। कैसे ए बी अपॉन बी सी? क्योंकि ए सी, सॉरी ए बी अपॉन बी सी नहीं, ए सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है साइड ए सी के, मैंने यहाँ पे गलती से बी सी लिख दिया था, आप भी करेक्शन कर लो। तो यहाँ पे सॉरी ए बी सी है यहाँ पे, ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिखेंगे ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, तो इसको भी कट कर लेंगे और लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी। तो एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको कैंसिल ही कर देते हैं, ये तो ये कन्फ्यूज़ है सब लोग होंगे। ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी हम लोग इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अभी हम लोग लिखेंगे नाउ रे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी of angle bisector of a triangle,
AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ये हम लोग का इक्वेशन 4। तो अभी इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करके मालूम पड़ रहा है कि AE अपॉन EB और AD अपॉन DC दोनों इक्वल है AB अपॉन BC के। तो यहाँ पे अभी आपको समझा रहेगा मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया था। यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया था AE अपॉन EC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया कि साइड AB कॉन्ग्रुएंट है साइड BC के। फिर मैंने इक्वेशन 1 और 2 से AC की जगह BC लिख दिया, सॉरी इधर भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा। हाँ तो मैंने यहाँ पे AB लिख दिया, AC की जगह AB लिख दिया क्योंकि AB और AC दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे मैं AB लिखूँ या AC लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू AB अपॉन BC के आ गया। तो यहाँ पे है नाउ रे BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल AD अपॉन DC AB अपॉन BC। ये दोनों आ गया तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम 3 and 4 AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। हम लोग को मिल गया AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ PPT ED इज पैरेलल टू साइड BC। यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूफ। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया पर ये 3 मार्क्स के लिए, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला था अगर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है और आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो गिवन टू प्रूफ फिर प्रूफ। अगर आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है तो आप बस यहाँ से स्टार्ट करो प्रूफ से। तो यहाँ पे आपको अभी समझा जाएगा, आप एक और बार ये सम प्रैक्टिस करो आपको ये समझ जाएगा कि सबसे पहले हम लोग को जो दो एंगल बाइसेक्टर दिए हम लोग को वो लिखने हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझा रहे तो आप सबसे पहले लिख लो कि AD अपॉन DC इक्वल है, आप सबसे पहले लिख लो कि AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ये आपने लिख लिया रे BD को बाइसेक्टर लेके, ये हो गया आपका पहला पार्ट। रीजन सब आपको लिखना है। सेकंड में हम लोग को क्या दिया है, सेकंड बाइसेक्टर CE है तो वहाँ से आपको मालूम पड़ रहा है कि AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन BC। तो ये भी हम लोग को मालूम पड़ गया। तो बस ये दो मालूम पड़ गया तो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि AB कॉन्ग्रुएंट है AC के, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे आप देखो AB और AC दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे आप AC की जगह आप लिख सकते हो AB क्योंकि ये दोनों वैसे भी इक्वल है। तो या तो हम लोग यहाँ पे AC लिखे या AB लिखे दोनों का सेम मीनिंग है तो ये इक्वल है और BC को वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया, हम लोग को मिल गया AB और BC, AB BC ये दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BBT ED इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और सारे सम्स की प्रैक्टिस कर लेना जो मैंने आपको कराया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 कराऊंगा। उससे पहले कुछ आपको अभी टेस्ट है जैसे कि AAA टेस्ट, फिर SSS टेस्ट, फिर ये सारे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी मैं आपको कराऊंगा। तो अभी हमारा अलजेब्रा भी है तो इससे पहले आपको मैं अलजेब्रा की भी करा दूंगा, अलजेब्रा के 1.3, फिर हम लोग कर लेंगे ज्योमेट्री का 1.3। और ये जो इसका आप टेंशन मत लेना, मैं आपको एग्ज़ाम होने के टाइम सब आपको बता दूंगा। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।